Hello everyone, welcome to our new video regarding principle. So in this video we'll discuss our principles of teaching, learning English language. So let's start. The very first principle, that is principle of naturalness. ध्यान रखना है principle of naturalness. अब देखिए, मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूँगा कि भाई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ इस प्रिंसिपल को किसी तरह बता रहे हैं, कुछ किसी तरह बता रहे हैं. जबकि ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, दैट मीन्स नेचुरल वे जो है ना लैंग्वेज को सीखने का, वो क्या है, उस हिसाब से ही लैंग्वेज जो है वो सिखाई जानी चाहिए, नेचुरल वे. अब नेचुरल वे लैंग्वेज को सीखने का क्या है, ऐसा तो है नहीं जैसे मान लीजिए हमने हिंदी सीखी या जैसे हमने हरियाणवी सीखी, राजस्थानी सीखी या और दूसरे लैंग्वेजेस सीखी. उसमें ऐसा नहीं हुआ, कहीं पर भी कोई ऐसा नेचुरल तरीका नहीं था जिसमें बच्चे को किताब लेके सिखाया गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ. नेचुरल जो तरीका था वो क्या था, बच्चे ने सुना, लिसनिंग की, ठीक है, लिसन टू, ठीक है, और फिर स्पीकिंग की, ठीक है. तो पहले लिसनिंग और उसके बाद स्पीकिंग, और वो लैंग्वेज को सीख गया, सबसे पहली बात. तो इसमें जो है ना एक चीज ध्यान देने की है कि बच्चा सबसे पहले अपनी जो मदर टंग है उसको इजीली सीख जाता है, नेचुरल उसको एनवायरनमेंट मिलता है, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स या उसके चारों तरफ जो सोसाइटी मेंबर हैं वो सब वो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, वो उस लैंग्वेज को सुनता है और फिर उसी लैंग्वेज में अपने व्यूज को एक्सप्रेस करता है. तो ये एक तरह से नेचुरल वे है लैंग्वेज को सीखने का, और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस. चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है. जो जेस्परसन है वो क्या कहता है, द वेरी फर्स्ट लेसन इन ए फॉरेन लैंग्वेज ought to be devoted to initiating the pupil into the world of sounds. कि सबसे पहला जो काम है किसी भी बच्चे को लैंग्वेज सिखाने में, जो सबसे पहला काम है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए एक डिवोशन होना चाहिए, एक तरह से डेडिकेशन होना चाहिए कि बच्चे को इनिशिएट कर दो, बच्चे को आप उस तरफ बढ़ा दो. किस तरफ बढ़ा दो, वर्ल्ड ऑफ साउंड्स में, जो एक तरह से साउंड आप कह सकते हो, शब्द, मतलब जो आवाजें वो सुनता है उन आवाजों की दुनिया में उसको इनिशिएट कर दो, वहां पर उसे ले जाओ. तो ये सबसे पहला काम होता है. एवरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज जो है, एवरी लैंग्वेज शुड बी टॉट इन द नेचुरल वे. हर लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से सिखाया जाना चाहिए. अब नेचुरल तरीका कहीं भी ये नहीं है कि आप बुक लेके बैठें और उससे सीखें, वो कोई भी नेचुरल तरीका दुनिया में नहीं है. नेचुरल तरीका है आप लैंग्वेज को सुने, उसको समझें और उसी हिसाब से अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें, दैट इज द नेचुरल वे. चलिए आगे क्या कहता है. नेचुरल वे मीन्स टू प्रोवाइड द स्टूडेंट अ नेचुरल एनवायरमेंट फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज. तो नेचुरल वे क्या है, टू प्रोवाइड द स्टूडेंट अ नेचुरल एनवायरमेंट फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज. ये जीई ये कटा हुआ है थोड़ा सा पीडीएफ में, ठीक है, इसको प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना. तो ये क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस है.
So the teacher should pay more attention to the first two aspects. देखिए लैंग्वेज सीखने के जो है ना वो चार एस्पेक्ट हैं. पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग और तीसरा रीडिंग और फोर्थ है राइटिंग. ये मतलब क्लासिकल एक तरह से आप कह सकते हो वे है जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग चलता है. ये क्लासिकल तरीका है. तो यही ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना जो पहले दो एस्पेक्ट हैं जिसमें कौन से हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इनके ऊपर ज्यादा जो है टीचर को ध्यान देना चाहिए. द लर्नर विल ऑटोमेटिकली बी गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग. अगर इन दो चीजों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे दिया जाए, किन किन पे, लिसनिंग और स्पीकिंग पे, तो लर्नर जो है वो बाकी के दो जो एस्पेक्ट बच गए लैंग्वेज के जिसमें रीडिंग और राइटिंग आता है उनमें वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रोग्रेस कर जाएगा. क्लियर है? आगे देखते हैं आगे क्या कहता है. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस इज अबाउट द सुटेबल एंड नेचुरल एटमोस्फियर टू लर्न एनी लैंग्वेज. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस क्या है? ये है जो सुटेबल एटमोस्फियर मिलना चाहिए, नेचुरल जो एटमोस्फियर मिलना चाहिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, उसके रिगार्डिंग है. अब वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का नेचुरल जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो कैसे, कि भाई उसके चारों तरफ वो लैंग्वेज बोली जानी चाहिए, वो जब अपने व्यूज को एक्सप्रेस करे तो उस लैंग्वेज में लोग समझ सकें. अब सपोज करिए कोई भी बच्चा है वो इंग्लिश सीखना चाहता है. अब वो घर में बोल रहा है लेकिन कोई समझने वाला ही नहीं है, चाहे वो गलत बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, ना कोई उसको करेक्ट करने वाला और ना कोई समझने वाला, तो वो बोलेगा ही नहीं सबसे पहली बात. तो क्या किया जाना चाहिए, उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए कि वो बोले भी और सुने भी लैंग्वेज को. इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज. अब कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से ये नेचुरल एनवायरनमेंट उसको दिया जा सकता है बच्चे को, वो देखिए. सबसे पहला क्या है, टीचर शुड टॉक टू द स्टूडेंट्स इन फॉरेन लैंग्वेज, सबसे पहली बात, ताकि लिसनिंग हो सके. टीचर को क्या चाहिए कि वो बच्चों से उस फॉरेन लैंग्वेज में ही स्कूल में बात करे. दूसरा पॉइंट, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू कन्वर्स इन दैट लैंग्वेज ओनली. स्टूडेंट्स को टीचर एनकरेज करें कि वो कन्वर्स करें, वो बातचीत करें सिर्फ उसी लैंग्वेज में जो वो सीख रहे हैं. ठीक है? थर्ड जो है वो है अरेंजिंग ग्रुप डिस्कशंस. ग्रुप डिस्कशंस भी अरेंज किए जा सकते हैं. क्लियर? तो इस तरह करके ये चीजें, मतलब एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जा सकता है. हाँ, ये थोड़ा सा मैंने इसके रिगार्डिंग कर रखा है, जो ये हमारे स्किल्स थे, चार स्किल्स जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग. ठीक है, ये चारों स्किल्स को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं. इनको जो पहले दो है ना, लिसनिंग और स्पीकिंग, इनको कहा जाएगा ओरल स्किल्स, और रीडिंग और राइटिंग इनको कहा जाएगा राइटिंग स्किल्स. ठीक है, तो पहली बात क्या हुई कि नेचुरल तरीका क्या है, अगर बच्चे के ओरल स्किल्स आप सही कर दोगे, लिसनिंग और स्पीकिंग, तो राइटिंग स्किल्स, रीडिंग और राइटिंग, वो नेचुरली अपने आप जो है उसके सुधर जाएंगे. दूसरा, जो लिसनिंग और स्पीकिंग है इनको रेस्पेक्टिव स्किल्स कहा जाता है, इनको जो रीडिंग और राइटिंग है इनको क्रिएटिव स्किल्स कहा जाता है. ठीक है, अब ये पैसिव स्किल्स हैं, ये एक्टिव स्किल्स हैं.
रीडिंग और राइटिंग एक्टिव स्किल्स में आते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग पैसिव स्किल्स में आते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव हैं, ये प्रोडक्टिव हैं, ठीक है। ये एक तरह से इनके रिगार्डिंग जो है वो बताया गया था। लिसनिंग लो ओरल स्किल है, ये लिसनिंग लो। इसी तरह रीडिंग जो है वो लो राइटिंग स्किल है, और स्पीकिंग हाई ओरल स्किल है, और राइटिंग जो है वो भी हाई राइटिंग स्किल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक तरह से समझ के चलिए, सबसे टफेस्ट कौन सा है और इजीएस्ट कौन सा है, चारों स्किल्स में टफेस्ट कौन सा है, इजीएस्ट कौन सा है। इजीएस्ट तो ये हो गया, क्योंकि क्या है, लो है, ओरल में है, ओरल पहले ही मतलब एक तरह से डाउन आता है, राइटिंग स्किल हाई पे आता है। अब इसमें ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। अब ये हो गया लो में, लो तो ये है सबसे लो पे, और ये है सबसे हाई पे, ठीक है, ध्यान रख लेना प्लीज। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या है, इमिटेट करना, किसी को देख के या किसी को सुन के, मतलब एक तरह से उसकी नकल करना। ये बच्चों में क्या है, एक तरह से ये लगा लो ह्यूमन बीइंग में ही ये नेचुरली होता है, नेचुरल बात है ये। इमिटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस टू ह्यूमन बीइंग्स, वही बात आ गई ना, जो नकल करना है वो मनुष्य के अंदर एक प्राकृतिक प्रोसेस है, स्वभाव है उसका ये। फ्रॉम चाइल्डहुड ए चाइल्ड स्टार्ट्स लैंग्वेज लर्निंग बाय इमिटेटिंग अदर्स, बचपन से ही बच्चा जो है वो दूसरों की नकल करके लैंग्वेज सीखता है। चिल्ड्रन ट्राई टू इमिटेट वट एवर दे सी एंड हियर इन द सेम वे, बच्चे जो हैं वो जो कुछ सुनते हैं या देखते हैं उस चीज को बिल्कुल उसी तरीके से सेम वे में उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसकी नकल उतारने की कोशिश करते हैं। सो द टीचर गिवन द चार्ज ऑफ टीचिंग द स्मॉल स्टूडेंट्स मस्ट बी गुड थ्रू एंड थ्रू, मस्ट बी गुड थ्रू एंड थ्रू का क्या अर्थ हो गया, प्रोनंसिएशन उसकी सही होनी चाहिए, इंटोनेशन सही होनी चाहिए, उसकी स्किल्स जो स्पोकन स्किल्स हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अटक अटक के बोलता हो, स्टैमर करता हो, तुतलाता हो, इस तरह की चीज़ों से जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए। ऐसे टीचर्स को छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को मिले कि वो हर जगह उसी चीज को देखें, यानी उसी लैंग्वेज को देखें, और ये चीज एक तरह से एक्सपोज कर देनी चाहिए उनके सामने बिल्कुल हर जगह, मतलब उनको वही चीज मिलनी चाहिए। अब इस प्रिंसिपल में क्या है कि बच्चा मदर टंग कैसे सीखता है, एक्सपोजर के माध्यम से, नेचुरल एनवायरनमेंट के माध्यम से, यानी बच्चे को हर चीज मिलती है उसी लैंग्वेज में, साइन बोर्ड उसी लैंग्वेज में, या जैसे मान लो वो पड़ोसी से बात कर रहा है तो वो भी मदर टंग में बात कर रहा है, स्कूल में फ्रेंड से बात कर रहा है तो मदर टंग में बात कर रहा है, घर पे अपने दूसरे जो क्लास के अलावा फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर रहा है तो मदर टंग में बात कर रहा है, और वो भी उससे उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो एक्सप्रेशंस जो हैं वो जल्दी बच्चा पकड़ लेता है, ठीक है। टीवी देखता है तो उसी में, मतलब सारी चीजें वही कुछ हो रही होती हैं, तो इसलिए
ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या कहता है इसमें, अ चाइल्ड लर्न्स द मदर टंग वेरी इजीली बिकॉज ही शी इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट फुल ऑफ मदर टंग। बहुत ही आसानी से बच्चा सीख लेता है मदर टंग को, क्योंकि वो एक्सपोज कर दिया जाता है एक ऐसे एनवायरनमेंट के सामने जहां पर ये मदर टंग जो है वो हर जगह उसको मिलती है। ही शी, सॉरी ये स्लैश नहीं लगाया था, ही शी फाइंड्स पीपल अराउंड हिम हर टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज एंड साइन बोर्ड्स पोस्टर्स एंड पेपर्स रिटन इन द मदर टंग। मतलब हर जगह उसको क्या दिखता है, लोग उसके चारों तरफ उसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, साइन बोर्ड उसी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, पोस्टर्स हैं, पेपर्स हैं, मतलब हर जगह उसको यही चीज मिलती है। सो द टीचर शुड ट्राई टू क्रिएट द एटमोस्फियर सुटेबल फॉर द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एंड देन द चाइल्ड शुड बी एक्सपोज्ड टू दैट एनवायरमेंट। तो टीचर को क्या चाहिए कि स्कूल में जो है साइन बोर्ड जो इस तरह के लगवा दे, जगह जगह जो नोटिस बोर्ड होता है उस पे वो उसी लैंग्वेज का यूज करे, और कुछ स्लोगन्स लिखवा दे, आपस में ग्रुप डिस्कशन करवा दे, या सभी बच्चों को एक साथ मोटिवेट करे कि भाई अगर आप ग्राउंड में हो तो भी इसी लैंग्वेज में बात करो, आप जब स्कूल में हो तो इसी लैंग्वेज में अपने फ्रेंड से बात करो, इस तरह करके मतलब उसको एक तरह से ये एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर देना चाहिए जो फॉरेन लैंग्वेज के सूटेबल हो, सीखने के सूटेबल हो। यानी बच्चे को हर जगह वो लैंग्वेज जो है दिखाई पड़नी चाहिए और बच्चा उसके कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, मतलब बच्चे को एक्सपोज करना है उस एनवायरनमेंट के सामने, या वो एनवायरनमेंट बच्चे के सामने एक्सपोज करना है जो सूटेबल है फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट है इट कैन बी डन इन मेनी वेज सच एज, ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर है ये कई तरीकों से मतलब टीचर क्रिएट कर सकता है। तो वो कौन से तरीके हैं, सबसे पहला क्या है, बाय पुटिंग चार्ट्स स्लोगन्स प्लैक कार्ड्स नोटिसेस एक्सेट्रा इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। दूसरा है बाय शोइंग सम विजुअल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, कुछ विजुअल्स दिखा दे बच्चों को, कुछ मतलब जो एक तरह से कोई स्टोरी दिखा दे या कुछ कार्टून्स दिखा दे, कुछ इस तरह की चीजें। तीसरा है बाय प्रोवाइडिंग सम इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स एंड कॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इन स्कूल लाइब्रेरी, कुछ स्टोरी बुक्स रख दे, कॉमिक्स रख दे, कॉमिक्स में होता है ना वो डायलॉग फॉर्म चलती है, एक कैरेक्टर जैसे इधर है, ठीक है, एक कैरेक्टर इधर है, तो वो इस तरह से उनके डायलॉग के वो बने होते हैं कि भाई इसने ये कहा, इसने ये कहा, तो ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर वो रख देता है टीचर इस तरह की बुक्स स्कूल लाइब्रेरी में, तो बच्चे जो है फ्री टाइम में इंटरेस्टिंग स्टोरीज होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग कॉमिक्स होनी चाहिए। तो टीचर को एक तरह से पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, और वो चीजें वो अगर टीचर प्रोवाइड करवा दे तो शायद बच्चे उस चीज को जल्दी कैच करेंगे। नेक्स्ट है बाय फॉर्मिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग क्लब इन द स्कूल, एक क्लब बना दे इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग का, ठीक है, वो मतलब बच्चे सब इंग्लिश में ही बात करें। बाय मोटिवेटिंग देम टू वॉच एजुकेशनल मूवीज इन इंग्लिश लैंग्वेज, टीचर जो है बच्चों को मोटिवेट करे कि भाई आप जो मूवीज हैं एजुकेशनल मूवीज, वैसी मूवीज नहीं, एजुकेशनल मूवीज, वो इंग्लिश लैंग्वेज में देखें। बाय
एडवांस ऑर्गेनाइज्ड टेक्निक, बाय एडवांस ऑर्गेनाइज्ड टेक्निक, मतलब ये क्या है? देखिए, एडवांस ऑर्गेनाइज्ड टेक्निक जो है वो मैं एक बार आपको समझाता हूं. सपोज ये लिख दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है, ये चीज लिख दी. कहां लिख दी ये? ये लिख दी टीचर ने बोर्ड के ऊपर इन एडवांस, बच्चे क्लास में आने से पहले. ठीक है, अपने यहां तो ऐसा नहीं होता मोस्टली. ये हो सकता है तो कब हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है रिसेस टाइम में, या प्रेयर के टाइम में, या गेम पीरियड में. ठीक है, अदरवाइज फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनमें बच्चे क्लासरूम चेंज करते हैं, तो वहां उस कंडीशन में अगर लैंग्वेज टीचर जो है वो पहले से बोर्ड के ऊपर कुछ भी इंटरेस्टिंग सा लिख के रखे, या कोई सेइंग, कोई स्लोगन, या कोई बच्चों के इंटरेस्ट की चीज, या अपने चैप्टर से रिलेटेड जो उन्होंने उस दिन पढ़ना है उससे कोई एक सेंटेंस, कोई एक कोटेशन, कुछ भी, वो अगर चीज टीचर पहले से लिख दे तो ये गारंटी है, ये जो एडवांस में लिखी गई चीज है, जैसे ही बच्चे क्लास के अंदर एंट्री करेंगे वो उस चीज को एक बार जरूर पढ़ेंगे कि बोर्ड पे क्या लिख रखा है टीचर ने. ठीक है, तो कम से कम आते ही एक बार तो वो फॉरेन लैंग्वेज के टच में आए ना. तो ये है एडवांस जो पॉलिसी है, सॉरी ये वाली, बाय एडवांस ऑर्गेनाइज्ड टेक्निक. तो ये एडवांस ऑर्गेनाइज्ड टेक्निक जो है वो यही है, यानी पहले से उस चीज को लिख के रखना. नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन. प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, चलिए ये भी देख लेते हैं, या इसको नेक्स्ट में ही देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा आई एम सॉरी, लेकिन इसको यहीं पे बंद करते हैं. इस प्रिंसिपल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टिल देन बाय बाय.